हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगापुर जॉब वैकेंसी के बारे में। आप में से काफ़ी लोग हैं जो सिंगापुर की जॉब वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी लोग थे जो पूछ रहे थे कि सिंगापुर की वैकेंसी कब आएगी, तो उनके लिए ये जॉब वैकेंसी है। और इसमें लगभग काफ़ी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा अगर फ्रॉड के केसेस होते हैं वो या तो सिंगापुर के होते हैं या फिर मलेशिया के। वैसे तो यूरोप के नाम पे भी होते हैं, लेकिन इन कंट्रीज़ में जो एजेंट्स भी होते हैं या जो इसका काम करते हैं उनके द्वारा भी काफ़ी टाइम जो है फ्रॉड केसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर आपको पेमेंट देनी होगी वो आफ्टर वीज़ा देना है, यानी कि जब आपका वीज़ा आ जाएगा तब आपको यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। क्या पेमेंट करनी होगी, कैसे करनी होगी, ये आपको बाद में बता दिया जाएगा। अभी आप इस जॉब वैकेंसी के बारे में सुन लो, अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग पुराने हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। कमेंट इसलिए करना ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको किस तरह की वीडियोज़ की ज़रूरत है। और वैसे मैंने अभी तक व्हाट्सएप पे सबको रिप्लाई कर चुका हूँ मैं, ठीक है। जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दिया करता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना भी कह सकते हो आप, और ये भी कि मैं कल से और मंडे तक आप लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। आपको वीडियोस मिल जाएंगी, हो सकता जो आप अगर मैसेज का रिप्लाई चाहते हो तो आप कोशिश करना कि मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर डीएम कर, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको मैसेज का रिप्लाई कर पाऊँगा, लेकिन व्हाट्सएप पे आपके मैसेज के जो रिप्लाई होंगे वो आफ्टर मंडे होंगे, यानी कि मंडे के बाद ही हो पाएंगे, मंगलवार से या ट्यूसडे से, ठीक। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी, क्योंकि कई लोग पैनिक हो जाते हैं या कई लोग जो जिन्होंने मेम्बरशिप ली होती है या उस दौरान जो मेम्बरशिप लेते हैं वो सोचते हैं कि उनको रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो अभी मैं इसी बात को यहाँ पर इसीलिए क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कई लोगों ने मेंबरशिप ली हुई है और इसीलिए जो बाकी के मेंबर्स हैं उनको लेट रिप्लाई हुआ, ठीक है। क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है तो उनको भी सपोर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। जो पैसा खर्च करके सर्विस ले रहा है उसको पैसे तो मतलब उसको उसके पैसे का जो है बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो जो ये वैकेंसी है सिंगापुर की है, और इसमें चाहिए डोमेस्टिक हेल्पर। डोमेस्टिक हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, एज लिमिट की बात करें तो ये है 23 से लेकर 45 साल तक के लोगों के लिए। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। उस वीडियो में मैंने बल्कि आपको वीज़ा का चार्जेस भी बताए हैं, तो आप लोग ये ना सोचे कि वहाँ पर कोई एजेंसी अप्लाई करी है मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था, सेल्फ हेल्प वीडियो थी। आप लोग उसके लिए खुद से आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसमें ऐसी ही एक वीडियो और आ जाएगी आप लोगों के लिए, तो आप उसमें भी ध्यान रखना कि कौन सी वीडियो है जो एजेंसी के थ्रू है, कौन सी वीडियो है जो सेल्फ हेल्प वीडियो है या जो नॉलेज बेस है कि आपको नॉलेज के लिए है, वो आप ध्यान से देखा करो वीडियो को। क्योंकि कई लोग हैं केवल थंबनेल देखेंगे, वीडियो देखेंगे और सीधा बोल देंगे कि हाँ ऐसा करना, लेकिन आप वीडियो नहीं देखते, वीडियो को पूरा देखा करो, तभी तो आपको पता चलेगा कि कैसे अप्लाई करना है, क्या वीडियो का फॉर्मेट है, क्या कैसे अप्लाई करना है, फॉर्मेट कैसा रहता है अप्लाई करने का, ठीक है। वो एक्चुअल में एजेंसी के थ्रू है या विदाउट एजेंट है, खुद आप अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं सिंगापुर जॉब वैकेंसी की। यहाँ पर जो डोमेस्टिक हेल्पर की रिक्वायरमेंट है ये चाहिए 23 से लेकर 45 साल तक के लोग, इसमें मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं। मिनिमम इसमें 8th पास चाहिए, यानी कि इसमें ECR और ECNR दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू जो रहेगा वो जूम ऐप पे रहेगा आपका, बेसिक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसमें फ्रेशर एक्सपीरियंस और फीमेल हेल्पर भी जा सकते हैं, ठीक है। सैलरी की अगर बात करें तो यह रहेगी आपकी 550 से लेकर 1000 सिंगापुर डॉलर, और ये इसमें आपको तीन टाइम का खाना मिलेगा, तीन टाइम का खाना मिलेगा, और एकोमोडेशन आपको सेम हाउस में मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपको उसी घर में रहना होगा और तीन टाइम का खाना वहाँ पर आपको प्रोवाइड होगा। बाकी यहाँ पर सैलरी डिडक्शन का, जैसे कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि सैलरी से कुछ डिडक्ट हो सकता है या नहीं,
तो यहाँ पर है ऐसा। तो जो सर्विस चार्ज है वैसे तो आफ्टर वीज़ा है, ठीक है, वो आपको जब आपका वीज़ा मिल जाएगा हाफ यहाँ पर पे करना है और हाफ आप सैलरी से पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। बाकी जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, खास करके इसमें एनी फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस फीमेल हेल्पर्स के लिए लिखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फीमेल्स के लिए है ये वैकेंसी, तो इस बात का ध्यान रखना। जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और अगर आज करना है तो आज आप कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम करने की, ठीक है, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। बाकी व्हाट्सएप पे जो रिप्लाई आपको मिलेंगे वो मिलेंगे मंडे के बाद। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।